हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा, हम लोग स्टडी कर रहे थे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में. उसी में हम आज आगे चलेंगे. कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी, कुछ चीजें अभी भी रहती है. तो देखो, एनसीईआरटी का चार्ट मैंने उठाया है, कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताया है. यहां पर ये एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल दो अलग अलग कैटेगरीज के, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करेंगे. तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैन का. यहां पर मैंने मेंशन किया है हम लोग क्या क्या बताएंगे. कॉमन नेम बताएंगे, फिर उसका साइंटिफिक नेम दैट मींस बायोलॉजिकल नेम बताएंगे, और उसके बाद हम अपनी सेवन कैटेगरीज बताएंगे. किंगडम क्या है, फाइलम या डिविजन क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया है. हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी हम चल रहे हैं, ठीक है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने मेंशन किया है. तो सबसे पहले देखो, मैन की अगर हम बात करें, ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसैपियन. बेटा, एक चीज ध्यान देना, बायोलॉजिकल नेम के लिए हमेशा आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करना पड़ेगा. दैट मीन्स फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड वर्ड का मतलब दैट मीन्स स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए. दोनों को हैंड राइटिंग करोगे तो सेपरेटली आप अंडरलाइन करोगे, तो ये चीज ध्यान रखना. ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमोसैपियन. ह्यूमन कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है. एनिमल है तो आपका क्या आएगा? फाइलम. फाइलम कौन सा आएगा? कॉर्डेटा फाइलम. अगर हम क्लास की बात करें तो ह्यूमन कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? मेमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं. ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बिलोंग करता है प्राइमेटा ऑर्डर से. फैमिली है इसकी होमिनिडे. होमिनिडे जीनस है होमो. ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, बायोलॉजिकल नेम में ही आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट वर्ड होता है जीनस और सेकंड वर्ड होता है स्पीसीज, ठीक है. तो जीनस है होमो और सैपियन है स्पीसीज, ठीक है बेटा. तो ये हमारा मैन को हमने अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया. किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो एंड स्पीसीज सैपियन है. अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल हाउस फ्लाई का. हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका. बेटा, ये टेबल आ सकती है आपकी एग्जाम्स में, पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट टेबल है ये. मस्का डोमेस्टिका हम किसको कहते हैं? हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है. मस्का इसका जीनस है और डोमेस्टिका क्या है? इसकी स्पीसीज है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम में ही आपका जीनस और स्पीसीज मेंशन होती है, ठीक है. तो मस्का इसका जीनस का नेम है, डोमेस्टिका इसकी स्पीसीज है. किंगडम की बात करें तो ये एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है. फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. क्लास है इंसेक्टा, दैट मींस हाउस फ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट है, इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है. ऑर्डर है डप्टेरा. फैमिली मुसिडे. बेटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे, और याद करने ही है क्योंकि एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है. इसी तरीके से हम दो प्लांट्स के एग्जांपल भी ले लेते हैं. कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ह्यूमन का दो, कई बार कहता है कि किन्हीं दो एनिमल्स का कैटेगराइजेशन करके दिखाओ, या फिर कई बार बोल देते हैं प्लांट्स में कैटेगराइजेशन करके दिखाओ. तो ये चीज आपको करके दिखानी है. देखो, मैंगा का साइंटिफिक नेम हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा है, मैंगी फेरा इंडिका. मैंगीफेरा इसका जीनस का नाम है, इसलिए एम कैपिटल. एंडिका स्पीसीज है, इसलिए आई स्मॉल. और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है. मैंगीफेरा क्या है? जीनस है. एंडिका क्या है? स्पीसीज है. अब क्योंकि ये प्लांट्स हैं तो किंगडम कौन सा होगा? प्लांटे, ठीक है.
डिवीजन, क्योंकि प्लांट्स है तो हम डिवीजन बोलेंगे। डिवीजन कौन सा है? स्पर्मेटोफाइटा। अब स्पर्मेटोफाइटा में हम दो प्लांट ग्रुप को मेंशन करते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बेटा ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ध्यान रखना है कैसा प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में भी डाइकोटिलेडनस क्लास है, दो कॉटिलेडन है, डाइकोटिलेडने, ठीक है। क्लास क्या है इसकी? डाइकोटिलेडने, ठीक है। ऑर्डर है इसका सैपिंडेल्स, ऑर्डर है सैपिंडेल्स। फैमिली है एनाकार्डिएसी। हमने बात की थी एसी, एसी जो सफिक्स होता है किसके लिए होता है? प्लांट की फैमिली के लिए। एल्स क्या होता है? ऑर्डर के लिए होता है। तो वो आप सफिक्स यहां पर देख रहे होंगे, सफिक्स भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है वीट का। तो वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम इसका जीनस है और एस्टिवम इसके स्पीसीज है, ठीक है। अगर हम बात करें किंगडम, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, प्लांट है, तो प्लांटे किंगडम से बिलोंग करेगा। डिवीजन क्या होगा? स्पर्मेटोफाइटा, क्योंकि ये भी एक एंजियोस्पर्म है तो स्पर्मेटोफाइटा से बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्म है। लेकिन बेटा ये एक मोनोकोटिलेडन प्लांट है, दैट मींस मोनोकोटिलेडने क्लास से बिलोंग करता है। आपसे पूछ सकते हैं, कई बार एग्जामिनर पूछ लेगा कि मैंगो, मैं या यूं कह दे कि डाइकोटिलेडनस प्लांट के बारे में बताओ, उसका टेक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन लिखो। कई बार बोल देगा मोनोकोटिलेडनस प्लांट का टेक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन लिखो। तो आपको ध्यान रखना है मैंगो डाइकोटिलेडनस है, वीट क्या है? मोनोकोटिलेडनस है, ठीक है। इसका ऑर्डर है पॉयल्स। यहां पर आप फिर से देख सकते हो ऑयल सफिक्स लग रहा है, एल्स जो सफिक्स लग रहा है, ये किसके लिए होता है? ऑर्डर के लिए। फैमिली है इसकी पोएसी, फिर से आपका सफिक्स आ रहा है एसी। तो ये हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई है किस किस की, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट की। तो हमने ये डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया है बेटा। तो एक चीज ध्यान रखना है, एनसीईआरटी एक कंक्लूजन दे रही है कि अगर हम हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को फॉलो करें तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। बट एक चीज ध्यान देना, सबसे छोटी कैटेगरी होती है आपकी स्पीसीज, ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। कुछ स्पीसीज के एग्रीगेट से क्या बनता है? जीनस। सिमिलर जीनस के एग्रीगेट से क्या बनती है? फैमिली। सिमिलर फैमिली के एग्रीगेट से क्या बनता है? ऑर्डर। सिमिलर ऑर्डर के एग्रीगेट से बनती है क्लासेस, एंड एग्रीगेट ऑफ सिमिलर क्लासेस इज कॉल्ड डिवीजन और फाइलम। एंड सिमिलरली एग्रीगेट ऑफ सिमिलर डिवीजन एंड फाइलम इज कॉल्ड किंगडम, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कुछ स्पीसीज जो सिमिलर है काफी हद तक, वो मिलकर के क्या बना देंगी? एक को जीनस बना देंगी। जो सिमिलर नहीं है वो डिफरेंट जीनस में आ जाएंगी। इसी तरीके से सिमिलर जीनस मिलकर के क्या बना रही है? फैमिली। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं एग्रीगेशन हो रहा है। इसका मतलब अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की, कि किस कैटेगरी में कितने इंडिविजुअल्स हैं, तो आपने देखा कि सबसे कम नंबर किसके पास है? स्पीसीज के पास, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है, यही से इसके बाद से एग्रीगेशन शुरू हो रहा है। इसका मतलब अगर हम नंबर की बात करें तो जैसे जैसे हम स्पीसीज से किसकी तरफ जाएंगे? किंगडम की तरफ जाएंगे, नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों?
क्योंकि कुछ सिमिलर स्पीसीज के एग्रीगेट से क्या बनता है, जीनस। अब यहां पर तो एक ही स्पीसीज के मेंबर थे, अब कुछ स्पीसीज के मेंबर मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक जीनस बना रहे हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गया। अब कुछ जीनस मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक फैमिली बना रहे, दैट मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्दर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की, तो अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाए तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम बात करें, हम चले उल्टा किंगडम से स्पीसीज की तरफ चले, तो जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर पे क्या इफेक्ट आता है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें तो नंबर भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मतलब हायर टू लोअर कैटेगरीज आते हैं, तो नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अब बात आती है नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। तो अगर हम बात करें सिमिलर कैरेक्टर की, तो एक चीज ध्यान रखना, स्पीसीज के अंदर, एक ही स्पीसीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं। ठीक है, इतने सिमिलर होते हैं कि वो फ्रीली इनब्रीड कर सकते हैं। एक स्पीसीज का मेंबर दूसरे स्पीसीज के मेंबर से इजीली ब्रीडिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर या नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर या नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर की बात करें, तो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर किसके पास है, एक ही स्पीसीज के मेंबर के पास। ठीक है, लेकिन जब कुछ स्पीसीज से मिलाकर के हमने जीनस बता दिया, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। जैसे देखो, मैं कह रही हूं पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो के अंदर आपके क्या आते हैं, लॉयन। तो एक लॉयन को अगर हम दूसरे लॉयन से कंपेयर करें तो सिमिलरिटी क्या होगी, ज्यादा। दूसरा, फिर हम एक टाइगर को दूसरे टाइगर से कंपेयर करें, दैट मीन्स हम विद इन द सेम स्पीसीज कंपेरिजन कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, ज्यादा। लेकिन अगर हम एक हायर लेवल पे आ जाए कि हम बात करें पैंथेरा, तो पैंथेरा जीनस में लॉयन भी आते हैं, टाइगर भी आते हैं, जगुआर भी आते हैं, लियोपार्ड भी आते हैं। तो जब उनके सिमिलर कैरेक्टर की बात करें, तो स्पीसीज के कंपैरिजन में कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और हायर लेवल पे जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर और कम हो जाएंगे, और हायर लेवल पे जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर और ज्यादा कम हो जाएंगे। दैट मीन्स नंबर और नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर में रिवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे थे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाए तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। इसका मतलब एक ही किंगडम के मेंबर्स की बजाय एक ही फाइलम या डिवीजन के मेंबर्स में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में क्लासेस में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे, इसके कंपैरिजन में ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सा शेयर्ड एंड लेसर विल बी द नंबर ऑफ मेंबर्स। इसका मतलब टेक्सा जितना लोवेस्ट होगा, जैसे हम बात करें स्पीसीज सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, तो नंबर तो सबसे कम है, लेसर नंबर है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, ज्यादा है। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स ज्यादा है जो उस ग्रुप के, उस टेक्सा के सारे मेंबर्स शेयर कर रहे हैं। तो लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सा शेयर, दैट मीन्स कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, कम होंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, कम होंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हायर द टैक्सा ग्रेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द अदर मेंबर्स एट द सेम लेवल। क्यों? क्योंकि टैक्सा जितना हायर होगा कॉमन कैरेक्टर्स उतने ही कम होंगे, और कॉमन कैरेक्टर हमें कम मिलेंगे तो हम इजीली उनको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। अब हम बात करें
कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी भी टेक्सोन में प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जाम्पल्स पूछते हैं। इसमें कुछ पार्ट मैंने एनसीईआरटी से ऐड किया है, कुछ पार्ट डिटेल का है, तो आपको करना है ये सारी टेबल आपको करनी है, ये एकेडमिक सिलेबस में भी आती है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनस की, तो आपको कम से कम एक एग्जाम्पल प्लांट का जीनस का करना है और एक एनिमल्स का करना है। तो जीनस में अगर हम प्लांट जीनस की बात करें तो हमने एक जीनस उठा लिया यूफोर्बिया। अब यूफोर्बिया जीनस में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, तो आपको पता है जीनस किसका एग्रीगेट है, सिमिलर स्पीसीज का। तो हमें बात करनी है कि यूफोर्बिया जीनस में कौन कौन से स्पीसीज आएंगे। तो जैसे यूफोर्बिया का स्पीसीज आ गया मीली, यूफोर्बिया मीली, यूफोर्बिया एंटीकोरम, यूफोर्बिया लथाइरस। इन प्लांट्स को हमने एक ही जीनस में डाल दिया यूफोर्बिया में। सिमिलरली एनिमल्स में हमने एक जीनस की बात की है पैंथेरा। पैंथेरा जीनस में क्या क्या आते हैं, पैंथेरा लियो दैट मीन्स आपका लॉयन आता है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा ओंका जिसको हम कहते हैं जैगुआर, पैंथेरा पार्डस ये किसका नेम है, कॉमन नेम क्या है इसका, लियोपार्ड। तो बेटा लॉयन टाइगर जैगुआर और लियोपार्ड, ठीक है, इनकी स्पीसीज अलग है लेकिन ये कॉमन जीनस को शेयर करते हैं, और वो कॉमन जीनस कौन सा है, पैंथेरा। इसलिए हम कहते हैं कि लॉयन टाइगर जैगुआर और लियोपार्ड में काफी सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर एक ही स्पीसीज के मेंबर को स्टडी करें तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। पैंथेरा जीनस की बात करोगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जीनस में तो हमने प्लांट के एग्जाम्पल लिया यूफोर्बिया, एनिमल्स में लिया पैंथेरा। इसी तरीके से हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे फैमिली का, ऑर्डर का, तो ऐसे हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो फैमिली, फैमिली में प्लांट्स में मैं एग्जाम्पल ले रही हूं सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल। सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से जीनस आएंगे आपके, ध्यान से देखो, सोलेनम, सोलेनम जो है वो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, दतूरा, दतूरा भी सोलेनेसी, जैसे हमने कहा था ना लॉयन किसका मेंबर है, पैंथेरा जीनस का, टाइगर भी पैंथेरा का, जैगुआर भी पैंथेरा का, लियोपार्ड भी पैंथेरा का, वैसे ही प्लांट्स में सोलेनम, दतूरा और आपका जो पिटूनिया प्लांट होता है दे आर प्रेजेंट इन ए सेम जीनस दैट इज सॉरी सेम फैमिली दैट इज सोलेनेसी। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में मैं आपको दो एग्जांपल बता देती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दिए, एक फैमिली मैं बता रही हूं फेलिडे और एक मैं बता रही हूं कैनिडे, ठीक है। तो फेलिडे की एग्जांपल है फेलिसिनस और पैंथेरा जीनस। फेलिसिनस जो होता है इसमें आपकी कैट्स आती है, दूसरा कैनिडे जो फैमिली होती है इसके अंदर आते हैं आपके डॉग, वॉल्फ एंड फॉक्स। बेटा एक चीज क्वेश्चन जनरली आ जाता है, अगर हम बात करें लॉयन टाइगर और कैट्स तो किनके बीच में सिमिलरिटी ज्यादा होगी और किसके बीच में कम होगी, वो हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को शेयर करते हैं। तो आपको पता है लॉयन और टाइगर का जो कॉमन है वो पॉइंट क्या है कि ये सेम जीनस को शेयर करते हैं, और इनको अगर हम कंपेयर करें कैट्स के साथ तो कैट्स के साथ ये क्या शेयर करते हैं, सेम फैमिली शेयर करते हैं, कौन सी, फेलिडे। अब क्योंकि जीनस छोटी कैटेगरी है, फैमिली क्या है, हायर कैटेगरी है, तो जितनी छोटी कैटेगरी होगी उतनी सिमिलरिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स लॉयन और टाइगर में सिमिलरिटी ज्यादा है, और अगर हम इन दोनों को कैट के साथ कंपेयर करेंगे तो सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उनका जो कॉमन एरिया है वो क्या है, उनकी फैमिली है, ठीक है। तो ये इसी ध्यान रखना। इसी तरीके अब हम बात करें नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्डर। तो ऑर्डर में प्लांट्स का एग्जांपल हमने बताया पॉलीमोनियल्स, ये ऑर्डर हम ले लेते हैं प्लांट्स में। तो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आपके कौन कौन सी फैमिली आएंगी, सोलेनेसी फैमिली, पॉलीमोनियेसी फैमिली, एंड कन्वल्वुलेसी फैमिली।
है, तो ये जो फैमिलीज होती हैं ये कौन से ऑर्डर में आती हैं? पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आती हैं। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के दो ऑर्डर हम ले लेते हैं, एक ऑर्डर है आपका प्राइमेटा और दूसरा ऑर्डर है कार्निवोरा। प्राइमेटा जो ऑर्डर है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला, गिबन एंड एप्स को, जबकि कार्निवोरा में हम इंक्लूड करेंगे कैनिडे, फैलिडे एंड हायनिडे फैमिली को। ठीक है, तो कार्निवोरा में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? कैनिडे, फैलिडे एंड हायनिडे फैमिली को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट हायर कैटेगरी, फाइलम या डिवीजन। प्लांट्स और एनिमल्स की हम बात करें तो प्लांट्स बोलेंगे तो आपका आ जाएगा डिवीजन। डिवीजन में मैं एग्जांपल ले रही हूं आपका ब्रायोफाइटा डिवीजन। तो ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है इसके अंदर आपकी कौन कौन सी हम मेंबर्स इंक्लूड करेंगे? ठीक है, तो ये देखो कौन कौन सी क्लासेस इसमें इंक्लूड करेंगे। हिपैटिकॉप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा, ठीक है, इसी तरीके से ब्रायोप्सिडा, एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एनिमल्स के फाइलम की हम बात करें कॉर्डेटा फाइलम की, तो कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन से मेंबर इंक्लूड होते हैं? पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। तो बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से मेंबर आपके इंक्लूडेड है, तो ये एग्जाम्पल आपको एक एक एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का। ऐसे ही क्लास में देख लो, प्लांट्स में हम क्लास की बात करें मोनोकॉटिलेडने, मोनोकॉटिलेडने क्लास के अंदर आपके कौन कौन से मेंबर आते हैं? पोएल्स ऑर्डर आ जाएगा आपका, पांडा नेल्स, ट्राई यूरिडेल्स। तो ये आपके कुछ ऑर्डर हैं जिसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं? मोनोकॉटिलेडने क्लास के अंदर। इसी तरीके से हम एनिमल्स की क्लास ले लेते हैं मैमेलिया, तो मैमेलिया क्लास में कौन कौन से ऑर्डर हम इंक्लूड करेंगे? कार्निवोरा, कार्निवोरस एनिमल जिसमें आते हैं, प्राइमेटा जिसमें हम प्राइमेट्स को इंक्लूड करते हैं, रोडेंशिया जिनके मेंबर्स को हम कॉमनली कहते हैं रोटेंट्स। ठीक है, तो ये आपके एनिमेलिया क्लास के मेंबर हो गए। अब हम बात करें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, तो किंगडम में प्लांट्स के एग्जांपल एक ही किंगडम है आपका, प्लांट्स में प्लांटे किंगडम, और एनिमल्स का जो किंगडम है उसको हम बोलते हैं एनिमेलिया किंगडम। अब किंगडम की जो लोवेस्ट कैटेगरी होती है वो क्या होता है? फाइलम या डिविजन। तो प्लांटे किंगडम में हमने किस किस को इंक्लूड किया? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में हम किसको इंक्लूड करते हैं? एल्गी को। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में हम इंक्लूड करते हैं ब्रायोफाइट्स को। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में हम इंक्लूड करेंगे टेरिडोफाइट्स को। और स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन में हम इंक्लूड करेंगे आपके जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को। इसी तरीके से एनिमेलिया में आ जाओ, आपने बहुत सारे फाइलम हम पढ़ेंगे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप एग्जांपल इसमें दे दोगे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड सो ऑन। तो
तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर में। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जब हम जाते हैं, हायरार्की को जब हम फॉलो करते हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स पे क्या इन्फ्लुएंस आता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे क्या इन्फ्लुएंस आता है। तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिटेल के साथ करेंगे। थैंक यू बेटा।